आप सभी ने अक्सर देखा होगा मैच के दौरान फैंस अपने फेवरेट खिलाड़ी को मिलने के लिए जबरदस्ती ग्राउंड में घुस जाते हैं, पर आपने कभी सोचा है उसके बाद फैंस पर कितना फाइन लगता है और ICC के रूल्स के बारे में क्या कहते हैं, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही फैंस ग्राउंड में घुस जाते हैं उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन फैंस को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ICC मैच के दौरान इस तरह की घटनाओं पर नजर रखती है। पिच पर किसी का घुस जाना सीधे सीधे सिक्योरिटी से जुड़ा मसला होता है। कंपटीशन की सुरक्षा पर ICC सवाल खड़ी करती है। उसी के बाद ग्राउंड को माइनस पॉइंट दिए जाते हैं। लगातार 3 घटनाओं के बाद उस ग्राउंड पर बैन लगाया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर कई बार फैंस मैच के दौरान कोहली से मिलने के लिए ग्राउंड पर आ जाते हैं, उस ग्राउंड को बैन नहीं किया गया। रही बात फैंस पर लगे फाइन की, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप के मैच के दौरान रोहित शर्मा से मिलने के लिए एक फैन ग्राउंड पर आ गया तो उस पर 6.5 लाख का फाइन लगाया गया, जिसे बिग स्क्रीन पर भी दिखाया गया। ग्राउंड पर घुसने के बाद फैंस को दोबारा अपने सीट पर बैठने नहीं देते, उसे सीधे सीधे उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए।